फिर हम से दीदी यार प्लीज बोलते ना करो। दाल के परोठे, यहाँ पे बन रही है चाय। अगर थर्ड टाइम तुमने ट्राई किया तो ब्लॉक हो जाएगा कार। बाकी पूरी टेंथ तक का सबका पेपर कैंसिल हो चुका है, लेकिन इनको पेपर देना है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत फिर हो रही है ताइन के यहाँ से, क्योंकि मुझे हनी को देख के याद आता है कि मैंने ब्लॉग भी बनाना है। यहाँ पे हनी फिर गाड़ी धोने की तैयारी में है। हेलो गाइस, तो सुबह से हो गई है शाम और मैं फिर ब्लॉग बनाना भूल गई थी। तो अब मैं, पापा और दादाजी जा रहे हैं ताइन के यहाँ पे और ये खेल रहा है फ्री फायर। यहाँ पे दादा और पापा मुझे छोड़ के चले गए हैं आगे, ये देखो मैं पीछे से भाग रही हूँ इनके पीछे। यहाँ पे मैं और अहाना बैठे हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। हम अहाना हम स्टॉल के साथ खेल रहे हैं, अहाना और मैं। बाकी हनी भाभी को लेने गया है दुकान में से, और मैं और अहाना क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अहाना उलझ चुकी है, अहाना उलझ चुकी है, निकल गई अहाना। ये अहाना को पता लगा कि वीडियो स्टार्ट हो रही है तो अपने बाल सेट करने लग गई। आना अपना ही अलग एक व्लॉगिंग करती है इसके चैनल पे। आपको ऐसी व्लॉगिंग दिखेगी तो आप ऐसी व्लॉगिंग देखने के लिए आना राउत को फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप, आहाना रावत 05। ठीक है, जो नहीं समझे उनके लिए सबटाइटल चलेंगे नीचे। इसको बाय तो बोल दे। तो अब आहाना यहाँ पे मेरा करने जा रही है मेकअप। तो अगर आपने भी आहाना से मेकअप करवाना हो तो कांटेक्ट करें आप आहाना रावत 05 इंस्टाग्राम पे। मैम बस, मैम डार्क हो जाएगी। मैम ये वाली साइड आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, ये कैमरे के सामने आ रही है तो बस यही करोगे। हाँ जी मैम ये वाली है मेरे बाल। हाँ जी बाल भी सेट कर दो। तो यहाँ पे भैया सौरभ को दे रहे हैं दाढ़ी पे टिप्स और हनी को मूंछों पर, हनी को मूंछों पर, और दादाजी सुनाएंगे यहाँ पे कहानी। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी क्यों रखी है तुमने? आई मेरे तो है ही मोटी मोटी, इन्हें मैं क्या करूँ, पतली कर रही है। तो यहाँ पे भाभी जी भी आ गए हैं दुकान से, लेके आया। हनी जा रहा था लेकिन वो गया नहीं, तो लेके नहीं आया वो भाभी भैया। तो जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने फैमिली ट्री बनाई है, भैया ने भी बनाई है, भैया लेके आ रहे हैं वो ट्री। तो हम सभी जा रहे हैं घर, तो हम सब जा रहे हैं अपने अपने घर। सपना जा रही है अपने, सौरभ जा रहे हैं अपने, भाभी है यहीं पे अपने घर पे, और हम जा रहे हैं अपने घर। पता नहीं मेरा फोन, मेरा फोन है ना, बाहर क्या दिखा रहा है। बाय 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 बुआ, बुआ बोल दे, आज बोलो, आज बुआ, चल बाय अनु बोल। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज अनदर डे और आज है मंडे। तो मैं उठ गई हूँ, अब नहाती हूँ, ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए तैयार होती हूँ। कल के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा मैंने बनाया नहीं, तो मैंने सोचा इसको भी आज भी बना लेते हैं थोड़ा सा, इसको उसके साथ अटैच कर दूँगी। मैं आ गई हूँ नहा के, मम्मी बना रही है परौंठे। पता नहीं किस चीज़ के परौंठे हैं ये, दाल के परौंठे हैं। यहाँ पे बन रही है चाय, हरे हरे परांठे। मम्मी तैयार कर रही है ब्रेकफास्ट। ये यहाँ पे लगा के बैठ गया सुबह सुबह मूवी। सुबह सुबह मूवी कौन देखता है भाई, मैं, क्योंकि तू पागल है। और मूवी और फोन दोनों चीज इसके हाथ में ही छुट्टी है। तो मैं हो चुकी स्कूल के लिए रेडी, ये है मेरी यूनिफॉर्म, पूरी नई दिख रही है। तो ये पांडास मैंने बनाए हैं,
तो ये यहाँ पे आ गया मेरा ब्रेकफास्ट, परोठे, केचप थोड़ा सा और चाय थोड़ी सी। तो मैं स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, लेकिन तब तक ग्रुप में मैसेज आ जाता है मैम का कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो ठंड की वजह से छुट्टी की थी एक वीक की 8 to 14 की, तो फिर बच्चों को स्कूल नहीं आना है, मतलब 10 तक के बच्चों को सभी को छुट्टी है। अच्छा टीचर्स ने तो जाना है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेंगे हम बच्चों की वहाँ पर। तो कल हमें एक जगह कार्ड स्वाइप करना था, तो हमने मेरा कार्ड मेरे पास नहीं था, मैंने इसको गूगल पे किया हिमांशु को, इसने कार्ड स्वाइप करवाने के लिए दिया, लेकिन इसने मुझे गलत पिन बताया। पहली बार उन्होंने किया जिसने स्वाइप कर रहे थे तो फिर गलत है, फिर मैंने किया तो फिर वो गलत था, इससे पूछा इसने कहा नहीं है, लेकिन उन्होंने बोल दिया था अगर थर्ड टाइम तुमने ट्राई किया तो ब्लॉक हो जाएगा कार्ड, तो हमने यूज नहीं किया। तो अभी अपनी बात पे अटल है कि मेरा पिन वही था। लास्ट में किसके कार्ड से हुआ? लास्ट में किसके कार्ड? इसका मतलब दूसरे कार्ड से हुआ था, लेकिन ये अभी भी अपनी बात नहीं मान रहा है, ये कह रहा है कि मेरा कार्ड का पिन वही है। तो मैं इसको कह रही हूँ अपना कार्ड का पिन दे, मैं आज चेक करूंगी एटीएम में पर्सनली जाके, तो ये मुझे पिन नहीं दे रहा है, ओ एटीएम कार्ड नहीं दे रहा है। यहाँ पे कंबल बिस्तरा वगैरह उठा रहा है, दे दे यार, मैंने दे दे यार, पहले मैंने एटीएम कार्ड दे 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 एटीएम कार्ड, मैं आप जाके दे दे दे, 500 रुपए की शर्त लगी है। हां ठीक है, जे होया मैं दे देना, मैं वीडियो बना के लाऊंगी, जे होया पर एटीएम दे, पक्का दूंगी, हां दूंगी एटीएम दे दे, उत्ते गल है उत्ते कह दे। ठीक, तो बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, ठंडा, धूप का नामो निशान नहीं, सूरज का कोई नामो निशान नहीं कहीं भी। वालों के साथ पंजाब सरकार ने बहुत गलत कर दिया है, इसका पेपर था और मैं सोच रही थी शायद इसका पेपर भी कैंसिल हो गया है, बाकी पूरी 10 तक का सबका पेपर कैंसिल हो चुका है, लेकिन इनको पेपर देना है। तो कैसा फील हो रहा है आपको? बस पेपर तो देना ही है, कभी ना कभी आज दे देंगे, कल दे देंगे, आज तैयारी थी तो दे देते हैं, इसके बाद मन ही नहीं करेगा। इस टाइम पे गुरुद्वारे के पास इतना ट्रैफिक होता है ना, रोड क्रॉस करने में 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। रितिका ने लगा दिया हेयर कलर, यहाँ पे मीनाक्षी बैठी हुई है और रितिका तैयार हो रही है, कहीं तो लेके जा रही है मुझे, पर मुझे नहीं पता कहाँ लेके जा रही है। तो बाहर बहुत ज़्यादा ही ठंडा है, मैं भैया की दुकान में आ गई हूँ और यहाँ पे अपने हाथ गर्म कर रही हूँ हॉट वाटर बैग के साथ, और यहाँ पे भैया देख रहे हैं मूवी। कौन सी मूवी? तो आज दिन में यहाँ पे हल्की सी धूप लगी हुई थी, तो धूप में आके मैं बैठ गई हूँ, लेकिन अब नीचे जाती हूँ क्योंकि ऊपर हवा भी चलने लगी है और ठंड होने लगी है, तो थोड़ी देर में ट्यूशन के बच्चे भी आते होंगे, तो चलती हूँ नीचे। मैंने स्नैपचैट का फिल्टर यूज़ किया है, स्नैपचैट के फिल्टर में कितना अच्छा फेस आता है ना। मेरी मम्मी भी दूध लेके आ गई है दुकान से, तो मम्मी भी दूध लेके आ गई है दुकान से, तो मेरे ट्यूशन वाले बच्चे भी सारे चले गए हैं, तो 6:30 बज गए हैं अभी, तो थोड़ी सी पीते हैं चाय और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरे भी पेपर आने वाले हैं 22 से। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।